हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे की मीठी मठरी और आप देख रहे हो कितनी यमी लग रही है। बहुत अच्छी बनती है फ्रेंड्स, एक बार जरूर ट्राई करें। हर किसी के घर पर शायद यह नहीं बनती होंगी, तो मैंने सोचा एक बार इसकी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर की जाए। तो आप देख रहे हो कितनी यमी है और अंदर से भी इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ, बहुत खस्ता बनती हैं और खाने में भी क्रिस्पी हैं। तो एक बार आप यह रेसिपी जरूर ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मीठी पूड़ी बनाने के लिए हमें शुगर सिरप बनाना है, जिसके लिए मैंने 1 कप चीनी ली है और उसमें 1/2 कप पानी डालकर इसे मेल्ट करने रख दिया था। तो आप देख रहे हो चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, ऐसे ही बस मीठा पानी बनाना है। तो चीनी को आप पहले से घूलने रख दीजिएगा जिससे अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसे साइड से रख देंगे क्योंकि इससे हम आटा लगाएंगे। अब एक परात में छलनी रखेंगे और उसमें हम 3 कप गेहूं का आटा लेंगे और इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिएगा, कम ज़्यादा जितनी आपको पूड़ी बनानी है उस हिसाब से। अब आटे को हम छान लेंगे। तो आटे को छानने के बाद अब इसमें हम घी का मोमेंट देंगे। तो मैंने 1/4 कप यह घी लिया है। आप मीठी पूड़ी में हमेशा घी का मोमेंट डालिएगा। तलेंगे हम ऑयल में, बट अंदर जो मोमेंट डालेंगे वो घी का ही डालेंगे। और 1 टीस्पून इसमें हम सफ़ेद तिल डालेंगे। डालिएगा फ्रेंड जरूर, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है आटे में। और घी हमारा कम लगा तो आगे हम और घी ऐड करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, घी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो आप देख रहे हो आटा अच्छे से बाइंड हो रहा है। मैंने इसमें 1 टीस्पून और ऐड किया था घी। तो अगर आटा इस तरह से बाइंड नहीं हुआ तो आप थोड़ा सा घी और डालिएगा। अब हम यह मीठा पानी लेंगे और इससे एक डो तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा हमें जो डो है मीठे पानी से ही लगाना है। अगर सादा पानी का यूज़ किया तो इस डो की जो मिठास है वह कम हो जाएगी, क्योंकि इसे हमें ना तो पागना है ना कुछ, सिर्फ इसी तरह से इसे मीठा करना है। और मीठी पूड़ी का जो डो है टाइट लगता है, तो इसका जो डो है आप टाइट ही रखिएगा। वैसे आपके पास जो गुलाब जामुन की चाशनी रहती है वह रखी है, तो इस मीठी पूड़ी में आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप मीठी पूड़ी बना सकते हो। तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, डो बन के बिल्कुल तैयार है। मैंने कितना टाइट डो लगाया है, इस तरह से आप डो लगाइएगा। अब इस डो को हमें रेस्ट के लिए नहीं रखना है, साथ ही साथ इसकी पूड़ी बनानी है। तो मैं इसकी मीडियम साइज़ की लोई बना लूँगी, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा छोटी। तो इसलिए क्योंकि जो मीठी पूड़ी है उसकी लोई थोड़ी बड़ी ही रहती है, तो मीडियम साइज़ की लोई रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इस तरह से इतनी बड़ी लोई तैयार कर ली है सारे आटे की। आप देख रहे हो ना ज़्यादा बड़ी है ना छोटी है, तो मीडियम साइज़ की लोई है। अब इसे हम बेलेंगे। तो एक चकला लेंगे और एक लोई लेंगे और इसे हम बेल लेंगे। और बेलते समय फ्रेंड्स आप देखोगे कि यह साइड से फट रही है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसका जो आटा है टाइट लगता है तो साइड से थोड़ा फटेगी ही, पर टेस्ट में जो है कोई अंतर नहीं आएगा, बहुत टेस्टी बनेगी। तो आप इस तरह से इसे बेल लीजिएगा और इसी तरह से हम बाकी की जो लोई है बनाकर तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, मैंने जो चीनी का यूज़ किया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग किया है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हो तो आप इसमें चीनी बढ़ाइएगा, क्योंकि आपके हिसाब से अगर मीठा कम रह गया तो पूड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो चीनी जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। तो थोड़ी सी पूड़ी बेल ली है मैंने, तो थोड़ी सी हम पहले सेक लेंगे, जिसके लिए मैंने तेल पहले से गर्म करके रखा है। तो आप देख रहे हो तेल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं है, इतना ही गर्म तेल रखिएगा। ज़्यादा गर्म अगर तेल होगा तो जो पूड़ी है डालते से ही सिक जाएगी, अच्छी नहीं सिकेगी अंदर से। अभी इसे हमें फ्लिप नहीं करना है, ऐसे ही हमें 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। और फ्लेम को आप मीडियम रखिएगा, जिससे जो पूड़ी है अच्छे से करारी सी क्रिस्पी सी सिक कर आएगी। और फ्रेंड्स, इन पूड़ी को आप अचार के साथ खाइएगा, बहुत टेस्टी लगती हैं। वैसे तो आपका टेस्ट है जैसे आप खाना चाहते हो, मैं अपना टेस्ट बता रही हूँ क्योंकि मैं इन्हें अचार के साथ खाती हूँ इसलिए। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद आप देख रहे हो पूड़ी ऊपर आ गई है अपने आप। तो इसी स्टेज पर हम इसे फ्लिप करेंगे और आप देख रहे हो पीछे से हल्की सी ब्राउन सिक गई है। तो
तो इसी स्टेज पर इसे फ्लिप करना है, उससे पहले नहीं कीजिएगा। अब इसे भी हमें 2 मिनट के लिए पीछे से सेकना है, उसके बाद ही फ्लिप करना है। और तेल ज़्यादा है तो मैं 2-2 पूड़ी करके सेक लूँगी। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो चुके हैं, तो पहली वाली जो पूड़ी है उसे हम फ्लिप करते हैं। तो आप देख रहे हो पीछे से हल्की ब्राउन हो चुकी है। तो इसी तरह फ्लिप करते हुए हमें इस पूड़ी को अच्छा ब्राउन होने तक बेक कर लेना है। और जो दूसरी पूड़ी मैंने डाली है उसे भी मैं इसी तरह ही बेक करूंगी। और फ्लेम को जो है आप मीडियम टू लो ही रखिएगा, ज़्यादा हाई पे नहीं सेकिएगा, नहीं तो जो पूड़ी है अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से अच्छी सिकेंगी, तो जो टेस्ट आना चाहिए वह नहीं आएगा, इसलिए आप मीडियम टू लो फ्लेम ही रखिएगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो जो पहली वाली पूड़ी है हमारी अच्छी ब्राउन हो चुकी है। तो इस तरह से इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल कर हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स जब यह पूड़ी गर्म रहती है तो यह सॉफ्ट रहती है, ठंडी होने के बाद यह कड़क हो जाती है तो यह क्रिस्पी हो जाती है। तो इसका जो क्रिस्पीनेस है आप अपने हिसाब से रखिएगा, अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी खानी है तो ज़्यादा सेकिएगा, कम क्रिस्पी खानी है तो कम सेकिएगा। तो मैं इस तरह से आप देख रहे हो पूड़ी को सेक लूँगी, दूसरी वाली को भी, और बाकी की जो लोई है इसी तरह हम सेक लेंगे सारी पूड़ियों को। तो फ्रेंड्स 8.5 आटे की पूड़ी बनाकर मैंने तैयार कर ली हैं। आप देख रहे हो इनका कलर कितना यमी आया है, कितनी खस्ता बनी है ये देखिए। और इसमें हमने तिल का यूज़ किया है, वह भी ऊपर से देखने में कितनी सुंदर लग रही है। अगर आपको ज़्यादा डालनी है, ज़्यादा देखना चाहते हो कि तिल ऊपर से अच्छी दिखे, तो आप और तिल का भी यूज़ कर सकते हो, इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। और आप अंदर से इसका खस्तापन देखिए, कितनी खस्ता बनी है, कितनी क्रिस्पी बनी है। तो आप एक बार यह रेसिपी ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी बनती हैं और अचार के साथ खाइए और भी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो फ्रेंड्स अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय। मैं आपको फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में।